ब्राजील में 12 साल बाद बच्चे की किलकारी सुनाई दी। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सुदूर इलाके में बसे फर्नांडो डी नोरेन्हा द्वीप पर पिछले 12 सालों से कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। यह द्वीप शहर से करीब 370 किलोमीटर दूर बसा है। यहाँ करीब 3000 लोग रहते हैं, लेकिन एक भी मैटरनिटी वार्ड नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर महिला ने बताया कि शनिवार को उसने एक लड़की को जन्म दिया। साथ ही ये भी कहा कि उसे अपने गर्भवती होने के बारे में पता नहीं था। जब उसे इसका पता लगा तो वह चौंक गई। महिला की उम्र करीब 22 साल बताई जा रही है। घर में ही दिया बच्ची को जन्म। महिला ने बताया कि शुक्रवार रात को उसे अचानक पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ और वह बाथरूम चली गई। यहीं पर बच्चे का जन्म हुआ। इसके बाद नवजात बच्ची का बाप दोनों को अस्पताल ले आया। प्रशासन ने भी बच्चे जन्म की पुष्टि की है। उधर सालों बाद बच्चे की किलकारियां सुनकर घर और पड़ोस में खुशी का माहौल है। लोग नवजात बच्ची के पहनने के लिए कपड़े और खेलने के लिए खिलौने ला रहे हैं। इसीलिए नहीं हुआ 12 साल से कोई बच्चा। फर्नांडो डी नोरेन्हा विश्व के कुछ बेहतरीन द्वीपों में से एक है। यहाँ ब्राजील का मशहूर वन्यजीव रिजर्व मैरिटाइम पार्क है। इस द्वीप पर समुद्री कछुए, डॉल्फिन्स, व्हेल्स और कई दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। वन्य जीवों की वजह से ही इस द्वीप पर जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कानून लागू हैं।